करण जी ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया। कल पाकुड़ में थे, आज सुबह गोड्डा से हम देवगढ़ आए हैं और उसके बारे में हमारे जो CLP साहब हैं, हमारे PCC अध्यक्ष हैं और हमारे AICC के प्रभारी मीर साहब भी हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कल शाम से पाकुड़ से लेकर अभी यहाँ लंच का जो जगह है देवगढ़ ज़िले में, सभी जगहों में भारी मात्रा में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, समाज के हर वर्ग सड़कों पर उतरे हैं, फूल बरसाए हैं राहुल जी के ऊपर और राहुल जी ने 3 का भी संबोधित किए। उसके बारे में हमारे PCC अध्यक्ष जानकारी देंगे क्योंकि वो राहुल जी के साथ सुबह से लेकर उन्हीं के गाड़ी में थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम झारखंड में करीब 13 जिलों से जाएंगे और करीब 8 दिन हम झारखंड में रहेंगे। 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 11 जिले कवर होगा और दूसरे चरण में 2 जिले हम कवर करेंगे, तो कुल मिलाकर 8 दिन रहेंगे, 13 जिला कवर होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। आज सुबह भी राहुल जी ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 न्याय को लेकर इसका विचार किया गया था और इसी के बारे में बार बार राहुल जी कह रहे हैं। पिछले 10 साल का जो अन्याय काल है उससे हमें हटना है। प्रधानमंत्री अमृत काल की सुनहरी सपने दिखा रहे हैं देश की जनता को, पर हकीकत है 10 साल के अन्याय। और राहुल जी ने कहा है 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। उसके बारे में जहाँ कभी उनको मौका मिलता है वो बोलते रहते हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 20 मार्च तक हम मुंबई पहुँचेंगे। ये चुनावी यात्रा नहीं है, हालांकि चुनाव आने वाले हैं, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये सीट वीट का कोई यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है, ये विचारधारा पर है, BJP और RSS के विचारधारा को मुकाबला भारत जोड़ो यात्रा के समय हमने किया था और उसको आगे लेते चलते हुए यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। ये वैचारिक यात्रा है क्योंकि विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। एक तरफ एक विचारधारा जो एक रूपता में विश्वास रखती है और दूसरी तरफ हमारी विचारधारा जो अनेकता में एकता में विश्वास रखती है। एक तरफ विभाजनकारी विचारधारा और दूसरी तरफ की राहुल जी जोड़ने सद्भावना की विचारधारा, भाईचारा की विचारधारा। तो हमें पूरा उम्मीद है, मणिपुर से हमने शुरुआत की थी 14 जनवरी को, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, सभी जगह समाज के हर वर्ग, महिला, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग सड़क पर आए हैं, छतों पर खड़े हुए हैं, बैल्कनी में खड़े हुए हैं और सभी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और खास तौर से राहुल जी का भरपूर और उत्साहजनक स्वागत किया है। मैं अभी PCC अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि आज सुबह के कार्यक्रम जो हुआ है और आज दोपहर को जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसके बारे में आपको जानकारी दें। नमस्कार साथियों, आप सब भारत न्याय यात्रा को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं, उस निमित्त रोज हम लोग जो प्रेस के साथी हैं उनसे मुलाकात करते हैं और आदरणीय जयराम रमेश जी सबको संबोधित करते हैं। हमारे साथ हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब भी हैं, हमारे CLP लीडर आलमगीर आलम साहब हैं, प्रदीप यादव जी हैं, सुरेश पासवान जी जो पूर्व मंत्री थे, सब लोग हम लोग एक बात को लेकर के आगे बढ़े हैं कि जो गांव-गांव तक सारी बातें पहुंचनी चाहिए
और आदरणीय राहुल गांधी जी की आज शुरुआत जो हुई सरकंडा से शुरुआत हुई यात्रा की, वहां एक बड़ी जनसभा भी हुई, उसके बाद हम लोग सकरी में स्वागत हुआ और वहां भी बहुत भारी संख्या में लोग थे। जो इससे पहले मेरा भी बहुत लंबा एक राजनीतिक अनुभव है, इससे पहले मैंने ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी थी, स्वस्फूर्त भीड़ थी। कोठिया में गए, कोठिया में का संबोधन जी का उन्होंने बातें कही है, उससे यहाँ के लोग पूरी तरह सरोकार रखते हैं, ये दिखाई दिया उनके जब वो कह रहे थे, तो जो एक रिस्पॉन्स होता है लोगों का वो साफ दिखाई दे रहा था कि जो आदरणीय राहुल जी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और लगातार जो उनकी यात्रा होगी उस दौरान हमें भरपूर जो चाहिए था कि न्याय के लिए लोग साथ जुड़े वो जुड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो राज्य का मसला था सरना धर्म कोड, उस पर भी अपनी बात ही कही, उसके साथ ही साथ जो 27% आरक्षण की बात है उस पर भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है, साथ ही साथ जो लगातार जो विकास की गति को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, सरकारी और जो स्वतंत्र एजेंसियां कहलाती थी वैसे गुलाम एजेंसियों के द्वारा उसका किस तरह से राज्य पर इफेक्ट पड़ रहा है, राज्य की विकास की गति को बाधित किया जा रहा है, उन सब पर लोगों का बहुत बड़ा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा था। सभी लोग एक सुर में ये कह रहे थे कि हाँ राहुल जी आप ठीक कह रहे हैं, जय जयकार और जिंदाबाद के नारे की बात छोड़ दीजिए, हर बात में चाहे वो महिला न्याय की बात हो, चाहे युवा न्याय की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, सभी पर लोगों ने अपार समर्थन दिया है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी लक्ष्य लेके चले हैं उसको हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा करने में कामयाब होंगे, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे संगठन के स्तर पर हो, सभी तरह से जो वो सोचते हैं उसको धरातल पर प्रयास करेंगे और संगठन के माध्यम से न्याय यात्रा को मजबूती के साथ लोगों को न्याय देने के लिए जोड़ने का प्रयास करेंगे। दोपहर का आज आप जानते हैं अब हम लोग बाबा की नगरी में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से बाबा का दर्शन सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे और वहां बाबा का दर्शन करने के बाद फिर वीर कुंवर सिंह चौक टावर चौक के पास एक पदयात्रा करेंगे, 100 मीटर की है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर जाकर के हम लोगों का धनबाद जिले के अंदर में एक जगह है जगदीशपुर, वहां से पहले यहां हम लोग देवघर वाले जगदीशपुर से यात्रा को स्टॉप करेंगे और पूर्वी टुंडी इलाके में हम लोग जाकर के वहां आज आदरणीय राहुल गांधी जी का विश्राम होगा। शुक्रिया, धन्यवाद आलम जी। संक्षिप्त मित्रों, अभी अभी हमारे पहले जयराम रमेश जी हमारा अध्यक्ष जी संबोधन कर चुके हैं, प्रेसिंग कर चुके हैं। कल 2 तारीख 4:30 बजे झारखंड के धरती पर राहुल जी का आगमन हुआ। पाकुड़ जिला के पाकुड़ विधानसभा नसीपुर में उनका स्वागत भी हुआ और उन्होंने मन से अपनी बातों को रखने की काम किया है। उन्होंने मन की जो बात उन्होंने रखा और मैं जो समझता हूँ कि ये भारत जोड़ो नए यात्रा जो है एक अभियान और आंदोलन के रूप ले चुका है। जब हम लोग पाकुड़ में हजारों नहीं लाखों लोगों का समावेश हुई थी, गाड़ी चलना मुश्किल था, और उसके बाद आज की जो यात्रा हम लोग शुरुआत किए हैं उस यात्रा में भी उसी तरह का भारी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है, बात को सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज नौजवान जो सोच रहे हैं कि हमने बड़े बड़े डिग्रियां हासिल की है लेकिन आज हमें सड़क पर मिलने को मजबूर होता है, किसानों को वही हाल है, महिला को भी वही हाल, वंचित और शशित का भी वही हाल है। इसलिए राहुल जी का जो नई यात्रा जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक आंदोलन रूप लेने जा रहा है, आंदोलन होकर ही रहेगा, तभी मुझे लगता है कि इस देश में जो तानाशाही सरकार है तभी यहाँ से गति छूटेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया आलम जी। थैंक यू, साथियों ने आपको काफी डिटेल दे दी। मैं तो झारखंड के संबंध में एक बात खाली आपके सामने रखूंगा
चार साल पहले यहाँ की जनता ने एक कोलिशन सरकार को समर्थन देकर यहाँ एक मजबूत सरकार बनाई, और जो चार साल से प्रो पीपल स्कीम्स ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं, ये यहाँ का आम नागरिक भी, आप ऑब्जर्वर भी हो, आप कहीं पर भी पूछे, चार साल का काम करने का तरीका इस सरकार का बहुत ही बेहतरीन है। ये प्रो पीपल काम करना हमारे बहुत सारे विरोधियों को खलता है, और जिसमें हमारी मरकजी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और ये अच्छा काम हो रहा है, लोगों के खातिर काम हो रहा है, उसको किसी न किसी तरीके से आवाम और सरकार के बीच में दरार पैदा करने के लिए, एक आपने देखा पिछले कई महीनों से ईडी को आगे करके जो कहानियां बनाई गई, और जो यहाँ सर्वप्रथम एक गरीब परिवार, एक शेड्यूल ट्राइब परिवार का, हम कह सकते हैं एक गरीब घर का लड़का इस राज्य को चला रहा था, और सबसे बड़ा समर्थन उसके पीछे पुअर से पुअर लोगों के लिए वो काम कर रहा है, वो एंडोर्स हो रहा है, और आदमी के साथ में जो कहानियां बनाई गई और जिस तरह से सरकार को मतलब उथल पुथल करने की कोशिश की गई, और ये एक बहुत बड़ी साजिश उन्होंने सोची थी झारखंड के खिलाफ, मगर हमें फख्र है झारखंड के लोगों पर और हमारी कोलिशन पार्टनर्स पर कि उन्होंने ऐसा कुछ भी उसमें मतलब नहीं होने दिया, और पूरे समर्थन के साथ एक नया चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जिसका कल ओथ हुआ, और हम आपको भरोसा, आपके जरिए झारखंड की जनता को भरोसा देंगे, एक साल इस चुनी हुई सरकार का अपना है, और ये पूरा अपना काम करेगी और लोगों के बेहतरी के लिए काम करेगी, और हम यही चेतावनी देना चाहते हैं उन दिल्ली में बैठने वालों को कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल ना करें, ये कहीं आपको बैकफायर भी हो सकते हैं, जो आप सोच के वहां से ये करते हो कि हम अच्छे आदमी को डिरेल करें, गरीब परिवार से आए हुए आदमी को रूल करने का क्या हक नहीं है, जब उसने सारी चीजें अपने वक्त पर दे दी फिर भी एक डिस्टेबलाइजेशन का एक चक्कर चलाया गया, ये तो जनता का और हमारे कोलिशन का एक तालमेल है कि जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, फिर से सरकार एस्टेब्लिश है, आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेंशन होगा, हाउस चलेगा, और जो भी प्रोसीजर है वो आगे लिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप। संक्षिप्त में सारी बातें आपने सुनी है, लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन का लगभग 25 साल प्रतिनिधि रहने का मौका मुझे मिला, और मैंने जो अनुभव किया कि पहली बार किसी यात्रा में इतना समर्थन किसी नेता के पीछे अपने खड़ा हुआ, मेरे जीवन में पहली बार देखा। सारी बातें आई, केवल दो बातें जो राहुल जी ने कही, पहली बार उस अडानी से विस्थापित की कोई दर्द सुनने वाला कोई नेता मिला तो राहुल जी मिले, और उन्होंने आज अडानी से विस्थापित लोगों के भी दर्द को सुना कि किस तरह अडानी ने उनकी जमीन छीनी, उनके साथ धोखा किया, बिजली देने की बात की, नौकरी देने की बात की, और उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, ये बात उन्होंने कमिट किया है। आज पुड़िया हट की धरती पर, गुड्डा की धरती पर जो एक बात उन्होंने कही, और दूसरी जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 27% आरक्षण का, उन्होंने एक बात बड़ी जोर दे के कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं जाति जनगणना कराऊंगा और जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी दिलाने का प्रयास करूंगा। ये दो बातें लोगों को टच कर गया है, और लोग बड़ी उत्साह में है कि अब मुझे यहाँ के जो ओबीसी समाज है, जो पिछड़े समाज है, उन्हें लगा कि मेरी कोई रहनुमाई करने वाला नेता, कोई पार्टी मेरे सामने आई है, और सारी बातें आपने सुना है। ये दो बातें जो मेरे ध्यान में था कि उन्होंने बड़ी जोर दे के कहा है, मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूँ अपने नेता का, और आप सबको धन्यवाद। शुक्रिया पासवान जी। मैं सुरेश पासवान, एक्स मिनिस्टर झारखंड, हमारे राज्य परिषद यादव पर बावा नगरी में राहुल कुमार पहुंचे हुए हैं। आज हम लोग इनका यात्रा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता नेता सारे लोग आज न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय नेता पहुंचे हुए हैं देवघर। हम लोग चाहेंगे कि गरीबों के लिए लड़ाई जो लड़ रहे थे, आज हेमंत सोरेन सरकार, आज उनको बीजेपी सरकार परास्त करने के लिए क्या ने कदम उठाया,
गरीबों का कोई गुजारा नहीं है, यहाँ किसानों का गुजारा नहीं है, नौजवानों का गुजारा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार चलाने के लिए, यहाँ महागठबंधन सरकार चलाने के लिए एक मजबूत यहाँ सरकार चुना गया था, उसको भी जो है यहाँ के लोग, बीजेपी सरकार के लोग जो है उसको नष्ट नाबूद करने के लिए चाह रहा, लेकिन आज हमारे बीच राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब हम लोगों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और हम लोग न्याय के लिए कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। सारे लोग, युवा से लेके सारे नौजवान से लेके, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। शुक्रिया। अच्छा, एक एक करके सवाल पूछिएगा अगर सवाल पूछना है तो। हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा है कि हम इसको चुनावी नजरिए से नहीं देखते हैं, पर यह जरूर है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हमारे कांग्रेस संगठन में एक नई शक्ति आई है, नई ऊर्जा दिखाई दे रही है, नई एकजुटता भी आई है, तो संगठन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्या ये हमारे लिए वोट लाएंगे या सीट लाएंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकला था। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकला था। मध्य प्रदेश में भी निकला था, पर हमारी सरकार वहाँ बन नहीं पाई। राजस्थान में भी हमारी सरकार बन नहीं पाई। तो ये चुनाव हारेंगे, चुनाव जीतेंगे, ये उतर चढ़ाव चलता रहेगा, पर भारत जोड़ो यात्रा पहले और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों वैचारिक यात्रा है, क्योंकि ये लंबा मुकाबला है। ये 2-3 साल का हमें सफलता हासिल होने वाली नहीं है, ये 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है और जिस तरीके से पिछले 10 साल अन्याय काल दिखाई दे रहा है समाज के हर वर्ग के लिए, उसको लेकर एक चुनाव से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पूरी शक्ति से लड़ेंगे, क्योंकि हम कोई एनजीओ नहीं है, हम एक राजनीतिक दल है। ये एक राजनीतिक यात्रा है, मकसद राजनीतिक है, पर राजनीतिक विचार है, चुनावी यात्रा नहीं। सर, ये इंडिया गठबंधन, एक करके मैं गठबंधन के बारे में कुछ कहूँ। देखिए, दुनिया भर की बातें मत यहाँ उठाइए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन के बारे में मैं सवाल जवाब दूंगा। इंडिया गठबंधन पहले 23 जून को नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्ष पार्टियों को निमंत्रण दिया था। हमारी पहली मुलाकात 18 पार्टियों की पटना में हुई। उसके बाद हम बेंगलुरु में मिले 17 और 18 जुलाई को, तब 28 पार्टी बन गए और उस गठबंधन का नाम दिया गया था इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वो नारा भी दिया गया था। फिर 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम मुंबई में मिले, तब भी सारे पार्टियां वहां शामिल थी। बीच में क्या हुआ, बीजेपी भोकलाई गई, परेशानी में आ गई, क्योंकि वो देख रहे थे कि 28 पार्टी अगर एक होकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी जरूर हारने वाली है। तो पहले महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़वाया, बाद में बिहार में नीतीश कुमार जी को फिर से पलटी करने को कहा, और आपने देखा है झारखंड में जिस तरीके से उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति हुई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है, ये सब साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए। मैं कह दूं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, शीघ्र ही औपचारिक तौर से, एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता। जब गठबंधन में है, हम सभी एक होकर हमें घोषणा करना है। महाराष्ट्र में अगर सीट शेयरिंग, तो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, अभी प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, सभी मिलकर एक स्टेटमेंट देंगे। ऐसे ही केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा, हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
फैसला कर दिया है, पर आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि जहां कहीं हमारा गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, झारखंड में तो कोई मुसीबत नहीं, हम एक हैं, पर खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो सवाल उठे हैं, और आपके मन में पश्चिम बंगाल ही होगा, मैं पश्चिम बंगाल में सारे तीन बैठकों में बैनर्जी मौजूद थी, इंडिया गठबंधन को बनाने में, इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम देने में, इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ नाराजगी आ गई है उनको, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पार्टी एक दूसरे से लड़ेंगे, वो वास्तविक है, पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को निशाना बनाए हुए हम एक होकर लड़ने का हमने संकल्प लिया था 23 जून पटना में, और वो संकल्प जारी है। सर, हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? साउथ का तो हमने देखा, हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों नहीं, अभी, अभी 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 देखिए, हिंदी भाषा प्रदेशों में हम भारत जोड़ो यात्रा के समय गए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तो अलग अलग रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है। पर अगर आप मुझे पूछेंगे इसका चुनाव पर क्या असर हुआ, मैंने आपको कहा ना, तेलंगाना में हम जीते, कर्नाटका में हम जीते, राजस्थान में हम जीत नहीं पाए, हालांकि वोट शेयर का जो अंतर है बहुत वो छोटा है, फर्क ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में हम थोड़ा निराशाजनक नतीजा निकला भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद, पर भारत जोड़ो यात्रा से हमारा जो संदेशा था, राहुल जी जो संदेशा पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा, इसीलिए न्याय यात्रा निकाला गया। तो मैं 11 दिन हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, अभी हम बिहार में थे, बिहार में देखिए, जब हम थे बिहार में पलटी हो रहा था, पर उस पलटी के बावजूद लोग आए थे, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, चार जिले से हम गए सीमांचल, और सीमांचल में एक अद्भुत रिस्पांस आया जनता से। ऐसे ही झारखंड में हुआ है, इसके बाद उड़ीसा में होगा, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, और जो सवाल आपका है महत्वकर्ता है, उत्तर प्रदेश से लेकर 11 दिन हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हमारा अनुभव रहा है मणिपुर से कि भरपूर स्वागत मिल रहा है, उत्साहजनक स्वागत मिल रहा है, और खास तौर से हमारे में नई ऊर्जा और नई शक्ति आई है। देखिए, ये सब सवाल यहाँ मत पूछिए, ये वक्त नहीं है, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहा हूँ। जो अन्याय निशिकांत दुबे कर रहे हैं उसके उसकी बात मैं अलग करूंगा। और देखिए, अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करेंगे। क्या एग्रेसिव रूप में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन लड़ रही है लोकसभा चुनाव? कहां एग्रेसिव मोड में? सॉरी, बिल्कुल आक्रामक मोड से। हम कोई सन्यासी संगठन नहीं है, हम एक राजनीतिक पार्टी है। जब हम चुनाव लड़ेंगे हम आक्रामक ढंग से लड़ेंगे, कोई पीछे हटकर नहीं लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन हमने ऐसे ही नहीं बनाया है, इंडिया गठबंधन सोच समझकर बनाया गया था, कई महीने लगे, और मैंने आपको गिनाया 23 जून से बात चल रही है। तो कांग्रेस की नीयत पर कोई शक नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात और कह दूं, कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक पार्टी है हमारे देश में जिसने न सीधे रूप से या इनडायरेक्टली कभी भी हमने बीजेपी के साथ साथ नहीं दिया है, बीजेपी को समर्थन नहीं दिया है, बीजेपी नहीं दिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि 40 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी। मैंने पहले ही कहा है, ममता बनर्जी की ओर से एक बयान आया है कि वो 42 सीटें लड़ेंगी, हमारी ओर से मैं कह सकता हूँ बातचीत जारी है। इंडिया उन्होंने ये भी कहा है, ममता बनर्जी का उस बयान आप भूल जाते हैं, आप बीच में काट देते हैं उस बयान का। उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन में हूँ और मैं बीजेपी को हराना चाहती हूँ। उसी भावना के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों तरफ से, दोनों दलों के ओर से एक संयुक्त बयान आएगा, कितने सीट पर हम लड़ेंगे, कितने सीट पर टीएमसी लड़ेगी। हमारे इसके ऊपर मीर साहब कुछ कहेंगे क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के भी प्रभारी हैं। अभी चूंकि उसके लिए जो आपने सवाल उठाया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 5 टीम बनाया हुआ मुकुल वासनिक जी की कयादत, वो इन डिटेल अपने इंडिया अलायंस के साथियों के साथ बात कर रहे हैं। हम तो ये मान के चल रहे हैं ममता बनर्जी
एक स्ट्रांग पिलर है इंडिया अलायंस की एंड शी वाज द डिजाइनर आल्सो फॉर दिस इंडिया अलायंस. तो जो बुनियाद डालने वाला होता है तो उसको तो आगे बढ़ना ही होता है. हाँ, लोकल स्टेट में उसकी भी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ूँ. वो हम गुनाह के नज़र से नहीं देख रहे, मगर हमारी भी जहाँ पर मजबूती है पीछे भी उनको गया. और जब हम अलग अलग लड़े तो नुकसान ज़्यादा ममता बनर्जी को लोकसभा सीटों पर. वो हम पर इल्ज़ाम आया कि अगर आप इकट्ठे लड़े होते तो रिजल्ट हम बेहतर दे देते. तो ममता जी भी उसको असेस कर रही होगी. बाकी भी आप स्टेटमेंट्स की ओर मत जाइए. हम आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तरीके से तालमेल करेंगे. जो जायज़ होगा, जो जायज़ जिसके लिए होगा, वो जायज़ बेसिस पर फैसले होंगे और साथ लड़ेंगे. और जो हमारे सामने जो रमेश जी ने आपको इतनी डिटेल से बता दिया हमारा टारगेट क्या है, उसमें मिलजुल के हम इंडिया अलायंस के पार्टीज़ जनता के सामने जाएंगे, अपने एजेंडा लेकर जाएंगे और उस पर समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे. अरे भी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भारत रत्न दिया जाएगा. 2002 में आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को अपना राजधर्म याद दिलाया था और उनको उस पद से हटाने वाले थे गोवा में, आपको याद होगा. पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी था. फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2014 को, 5 अप्रैल 2014 सीन है गांधीनगर में. और गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं चुनाव के लिए. और आडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. उन्होंने क्या कहा, 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं. ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में कहा था. ये मेरे शिष्य नहीं है, ये बहुत कुशल, बहुत शानदार कार्यक्रम. जब आडवाणी जी और मोदी जी को मैं देखता हूँ, ये दो बातें मुझे याद आती. 2002 को आडवाणी जी ने बचाया था नरेंद्र मोदी को और 2014 में आडवाणी जी ने हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप. आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है. और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके. और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. धन्यवाद.